Hello guys, how are you? Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Modern Trading. Guys, you know previous video में हमने किस तरह से market charts पर triangle pattern draw करके हम trade कर सकते हैं, किस तरह से हम trading chart पर triangle draw कर सकते हैं, किस तरह इनके upper peak point, down peak point, side peak point को ध्यान में रखते हुए हम triangle draw कर सकते हैं, triangle draw करने के बाद किन किन points को हमें ध्यान रखना चाहिए trade करते समय, ओके, किन किन चीज़ों को हमें follow करना है trade करते समय triangle pattern के time पर, ओके, ये सारी चीज़ें हमने cover up की थी. एंड guys, उससे previous video में vortex indicator के बारे में जाना था, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करते हुए लाइव ट्रेड. ओके, सो कल की वीडियो में आप सभी ने ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करना सीखा, आज की इस वीडियो में ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करते हुए ट्रेड करना सीखेंगे. ओके, आप सभी को मैं लाइव ट्रेड करके दिखाने वाली हूँ. सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर आप सभी ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मॉडर्न ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल. ओके, देन वहाँ से आप फ्री शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको फॉलो करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. ओके, देन क्यूडेक्स पर अगर आप सभी ने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्यूडेक्स पर अकाउंट बनाइए. ओके, देन वहाँ से आप हमारे द रिलायबल VIP मॉडर्न ट्रेडिंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 100% एक्यूरेसी वाले शॉर्ट शॉर्ट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिनको फॉलो करके आप अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. एंड अगर आपका लॉस हुआ पड़ा है तो लॉस भी रिकवर कर सकते हैं. ओके, सो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं. ओके, सो आज का ये वीडियो ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करते हुए हम लाइव ट्रेड करना सीखते हैं. ओके, सो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ. तो गाइज, मैं आ चुकी हूँ यहाँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर क्यूटेक्स के लाइव अकाउंट में, जिसमें आप सभी को मेरे लाइव अकाउंट में अबव $15,900 का लाइव बैलेंस शो हो रहा होगा, आप सब देख पा रहे हो. कि देन गाइज, आज की इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं, कंसिडर करने वाले हैं ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करते हुए किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं. ओके, देन आज की इस वीडियो में ट्रायंगल ड्रॉ करते हुए आप सभी को लाइव ट्रेड करके दिखाने वाली हूँ. कि फर्स्टली अगर हम बात करें तो ये कुछ हमारी आज की ट्रेडिंग हिस्ट्री है जो मैंने आज ट्रेडिंग की हुई है 20 सितंबर. ओके, देन गाइज, ये कुछ हमारा ये रहा प्रॉफिट रेट मॉडर्न ट्रेडिंग, $6,560 का मैंने प्रॉफिट रेट बुक किया है. ओके, आप देख सकते हैं. देन गाइज, आज की इस वीडियो में मैं लाइव ट्रेड करके दिखाने वाली हूँ. फर्स्टली हम यहाँ पर अपना ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं. तो हमारा ट्रायंगल पैटर्न कहाँ गया, ट्रायंगल पैटर्न ये रहा यहाँ पर. ओके, सो ट्रायंगल ये रहा और हम इसको सेट कर लेंगे. ओके, देन इसका कलर, अगर मैं कलर की बात करूँ तो ये हम यहाँ पर येलो कलर ले लेते हैं. ओके, देन अगर आपको यहाँ पर कौन कौन से ट्रायंगल ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं, आपको बता दूँ कि EUR USD का चार्ट है, 75% प्रॉफिट रेट दे रहा है. ओके, देन आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त अबव नाइट के 10 PM पर ट्रेड कर रही हूँ. ओके, देन रात के 10 बज रहे हैं और ट्रायंगल पैटर्न जो मैंने कल आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसका जो अपर पीक पॉइंट है हमें ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये कुछ हमें ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है. ओके, सो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे. ओके, इसका डाउन पीक पॉइंट हम इसको लेंगे. ओके, देन यहाँ पर जिसका जो डाउन पॉइंट है हम इसको ले लेंगे. ओके, देन इसके अकॉर्डिंग अगर आप देख सकते हैं. ओके, हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न ले लिया. ओके, और अगर मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ पर और भी ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. ओके, देन अगर मैं आपको और क्लियरली आइडेंटिफाई करूं तो देन यहाँ पे एक ट्रायंगल हम और लेंगे. ओके, एक ट्रायंगल मैं यहाँ पर और लेती हूँ, जो कि हम लेंगे यहाँ पे ब्लू कलर में ले लेते हैं. ओके, ब्लू कलर में या फिर रेड कलर में कैसा रहेगा, नहीं यही ठीक है. ओके, ग्रीन में ये इस तरह से रहेगा, हम रेड कलर ही ले लेंगे, ब्लू ठीक है. ओके गाइज, तो ब्लू कलर का हमने एक ट्रायंगल और ले लिया है. ओके, सो हम यहां पर कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे. एक ट्रायंगल को हमने यहां पर सेट कर लिया. ओके, देन दूसरे ट्रायंगल को हम अगर अप्लाई करें तो गाइज ये देख सकते हैं कि ये कुछ हमारा एक पीक पॉइंट ये रहा है. ओके, डाउन पीक पॉइंट इसका ये ले लेंगे. देन इसका हम डाउन पीक पॉइंट ये वाला ले लेंगे. ओके,
देन आप देख सकते हैं मैंने ये किस लिए ड्रॉ किए हैं, दो दो ट्रायंगल पैटर्न क्यों ड्रॉ किए हैं। ओके, मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, कल के ट्रायंगल पैटर्न मैंने आप सभी को बताया था कि ट्रायंगल में ब्रेकआउट का जो सिस्टम होता है, ब्रेकआउट हमें ये आइडेंटिफाई करता है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ से कुछ देर के लिए, कुछ टाइम्स के लिए यहाँ पर मार्केट हमारा इस डायरेक्शन की ओर जाने वाला है। ओके, सो हमने इसका अपर पीक पॉइंट ये लिया है, डाउन पीक पॉइंट ये लिया है और इधर का कॉर्नर का पॉइंट ये लिया है। ओके, आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दो ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ किया है, अंदर वाले में जो यहाँ पर जिस तरह से इसने ब्रेकआउट किया, ओके, ये मैंने पॉइंट लिया था, जिस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट किया, देन यहाँ से मार्केट कंटिन्यू जब डाउन कैंडल गई है इसको तोड़ते हुए, ओके, ये ट्रायंगल जब हमारा देख रहे हैं कि दोनों इन दोनों की शेप्स जो है इक्वल हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ब्रेकआउट है वो बना है, देन यहाँ पर जो कैंडल हमारी डाउन गई है उसके बाद कंटिन्यू मार्केट हमारा यहाँ से डाउन की ओर गया, आप देख सकते हैं। ओके, ये यहाँ से कंटिन्यू डाउन की ओर गया और अभी भी डाउन की ओर ही जा रहा है। ओके, देन अगर सेकंड ट्रायंगल की बात करूँ तो ये हमारा जो ब्लू वाला सेकंड ट्रायंगल है ब्लू वाले ने जब यहाँ पर ब्रेकआउट किया, देन यहाँ पर हमारी जो कैंडल बनी ग्रीन बनी, थोड़ी देर के लिए मार्केट यहाँ पर हमारा अपआउट के लिए गया। ओके, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये वाली बुलिश कैंडल हमारी यहाँ से ब्रेकआउट करती है, थोड़ा सा बाहर निकलती है, देन यहाँ से हमारा दो मिनट के लिए मार्केट अपआउट की ओर जाता है, देन यहाँ से मार्केट अगेन डाउन की ओर चला जाता है। ओके, देन इसका डाउन पीक पॉइंट ये है, आप देख सकते हैं, देन इसके बाद मार्केट जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है देन कंटिन्यू मार्केट डाउन की ओर जाता है और अभी भी मार्केट डाउन की ओर ही आ रहा है। ओके, अब अगर बात करें तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल पैटर्न और ड्रॉ कर सकते हैं इसका, अगर इन दोनों में हाईएस्ट पीक पॉइंट की बात करें तो इन एक दो तीन पॉइंट्स में हाईएस्ट पीक पॉइंट जो सबसे ऊंचा वाला पीक पॉइंट है वो हमारा ये है, इन इस पॉइंट को लेकर के, इस डाउन पॉइंट को लेकर के एंड इस पॉइंट को लेकर के, आप यहाँ पर ये एक पॉइंट, दो पॉइंट एंड ये वाला तीसरा पॉइंट, इन तीनों को कवर अप करते हुए यहाँ पर भी ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ओके, देन ये जो ट्रायंगल पैटर्न है इस ट्रायंगल पैटर्न को हम लेंगे रेड कलर से, ओके, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ओके, सो हम यहाँ पर ये वाला पैटर्न ड्रॉ करते हैं। ओके, कुछ इस तरह से ये हमने बताया था, पहला पॉइंट ले लेंगे, देन ये वाला हम सेकंड पॉइंट ले लेंगे, देन इसके बाद हम ये कुछ इसके लेवल को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से कुछ इस तरह से ये तीसरा पॉइंट ले लेंगे। ओके, देन अभी भी आप देख रहे हैं कि ये जो इसका इक्वल लेवल है, आप देख सकते हैं ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, ये तीनों इक्वल लेवल जो हैं, अभी भी आप देख रहे हैं कि इसका जो आधार है, बेस है, वो इक्वल है। ओके, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया है। ओके, देन ये इसके अकॉर्डिंग अभी बोल रहा है कि मार्केट हमारा और डायरेक्शन की ओर जा सकता है। ओके, सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर तीन पैटर्न ड्रॉ किए हुए हैं। ओके, सो होप्स आप सभी को ये कैंडल पैटर्न ड्रॉ करना अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ओके, अगर मैं इसको और क्लियरली बात करूँ तो गाइज यहाँ पर जो हमारा एक इंडिकेटर है zigzag, ओके, zigzag की बात करूँ तो यहाँ पर आप zigzag इंडिकेटर को लगा करके ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से ट्रायंगल पैटर्न हम कहाँ कहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको अपर पीक पॉइंट, डाउन पीक पॉइंट और साइड पीक पॉइंट आपको क्लियरली शो करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने इस ट्रायंगल पैटर्न को ड्रॉ किया और हमें zigzag इंडिकेटर लगाया, हमें ये अपर पीक पॉइंट, डाउन पीक पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। देन गाइज यहाँ पर हमें ऑब्वियसली अपने आप से ये शो कर रहा है कि कौन सा हमारा अपर पीक पॉइंट है, कौन सा डाउन पीक पॉइंट है। ओके, सो होप्स आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके, देन इसके अकॉर्डिंग अभी हमारी इस लेवल को जो क्रॉस कर चुकी है और यहाँ पर जो तगड़ा ब्रेकआउट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पर अपना अमाउंट हम फिक्स कर लेते हैं, $250 की ट्रेड में यहाँ पर लेती हूँ। ओके, देन 55 सेकेंड्स हैं, मैंने दो ट्रेड अपॉर्ट की ओर डाली हुई हैं। ओके, यहाँ पर जैसे ही गाइस अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर जैसे ही ये बियरिश कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट करती है, ओके, देन ब्रेकआउट करने के बाद हमारा एक मिनट दो मिनट कंटिन्यू मार्केट डाउन की ओर गया है और अभी ये शो कर रहा है कि हमारा मार्केट हो सकता है और जल्द डाउन की ओर जाए। ओके, सो ऐसे ब्रेकआउट पर हमें इंस्टेंट ऐसे पॉइंट गाइस श्योर शॉट मिलते हैं ऐसे हमें कि यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट आप देखते हैं, ओके, मतलब हमारा नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो हमारी डाउन की ओर बनेगी, हो सकता है अगली नेक्स्ट फिर डाउन के लिए बने। ओके, सो फिलहाल तो ये ट्रेड हमारी विन होकर के आ रही है। ओके,
देन यहाँ से हमारा जो zigzag इंडिकेटर है वी शेप बनाते हुए अपवर्ड की ओर जाएगा और ये मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज करेगा. ओके, देन यहाँ से जैसे ये ट्रेंड चेंज करता है कुछ यहाँ पर या फिर यहाँ पर इस तरह जाता है, देन यहाँ से हम कह सकते हैं कि वी शेप बनाते हुए एक अगेन ट्रेंगल की ओर ड्रॉ करने के लिए इंडिकेट करेगा. ओके, सो गाइज अभी 50 सेकेंड से टाइम थोड़ा सा लेट हो चुका है एंट्री के लिए. मैं यहाँ पर अपना अमाउंट डबल करूँगी, $500. फिलहाल तो अपना प्रॉफिट रेट देख लेते हैं. मैं यहाँ पे $6,900 का हमने प्रॉफिट रेट बुक किया है. ओके, सिक्स्थ पोजीशन है, आप देख सकते हैं. ओके, देन यहाँ पर हम अगेन ट्रेड प्रेस करेंगे. 28 सेकंड्स के बाद हम नेक्स्ट ट्रेड अपनी प्रेस करेंगे. ओके, थोड़ा सा वेट करना है. अगर ये यहाँ पर इस लेवल को टच करते हुए बेयरिश कैंडल आती है, ओके, देन हमारा मार्केट अभी कंटिन्यू डाउन की ओर जाएगा. वेट करना ये है कि देखना ये है कि अगेन टच कर रही है, टच कर चुकी है गाइज, मतलब हमारी जो कैंडल बन सकती है अभी मार्केट हमारा, और हम कह सकते हैं कि डाउन की ओर जा सकता है. ओके, सो हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट ट्रेड प्रेस करने वाले हैं. ओके, सो हमने यहाँ पर दो ट्रेड डाउन की ओर प्रेस की है. ओके, देखते हैं कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है. ओके, 50 सेकंड्स है अभी हमारे पास. अब हमने यहाँ पर $1,000 इन्वेस्ट किए हैं, $500 की दो ट्रेड मैंने लगाई हुई है. ओके, इस लेवल को ध्यान में रखते हुए, इस लेवल की नॉलेज से मैंने यहाँ पर दो ट्रेड डाउन की ओर मैंने प्रेस की है. देखते हैं, हालांकि मार्केट आप देख ही रहे हैं कि गाइस बहुत ज़्यादा फ्रीजी मार्केट है. ओके, और इसके अकॉर्डिंग मैंने जो आपको बताया था कि लेवल जैसे ही इसने लेवल को टच करता है, देन हम कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट हमारा डाउन की ओर जाएगा. फिलहाल बहुत ज़्यादा क्लोज पॉइंट पर कुछ भी नहीं कह सकते गाइस, चूँकि नाइट में यू नो गाइस थोड़ा सा मार्केट जो है प्रॉफिट रेट जैसे ही उसमें ऊपर नीचे जाता है तो मार्केट कभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट, कभी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल, कभी बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो ही जाता है. ओके, सो मुझे लगता है कि ये ट्रेड हमें रिफंड मिलेंगी या फिर लॉस हो जाएंगी. फिलहाल तो गाइस ये ट्रेड हमारी लॉस हो चुकी है. ओके, कोई नहीं, हम यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट डबल करेंगे. $1,000 की मैं ट्रेड यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगी, देन ये ट्रेड हमारी डाउन की ओर आएगी. डेफिनेटली ये डन है कि डाउन की ओर आएगी. ओके, वेट करेंगे. ओके, 38 सेकंड्स के बाद हम यहाँ पर अपनी नेक्स्ट ट्रेड प्रेस करेंगे. ओके गाइस, अभी मार्केट देखे नहीं गाइस, अभी साइडवेज मार्केट चल रहा है. ओके, मतलब एक रेड, एक ग्रीन, एक अगेन रेड, फिर अगेन ग्रीन, फिर अगेन रेड, ऐसे ऐसे टाइम पर मार्केट का थोड़ा सा फ्लो पता करना गाइस यू नो डिफिकल्ट रहता है. ओके, सो 15 सेकंड्स के बाद हम नेक्स्ट ट्रेड प्रेस करेंगे. अगर यहाँ से ट्रेंड वी शेप लेगा, अपवर्ड की ओर जाएगा, देन यहाँ से मैं ट्रेड यहाँ पर अपवर्ड की ओर प्रेस करूँगी. दो ट्रेड हमारे जो $1,000 मैंने पिछली बार जो लॉस किए थे उसको कवर अप करते हुए, देन यहाँ से हमारा प्रॉफिट रेट बुक करते हुए $2,000 की मैंने इन्वेस्ट की हुई है ट्रेड, अपवर्ड की ओर प्रेस की है. देन 40 सेकंड्स के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है. ओके, अभी फिलहाल हमारी ट्रेड अच्छी खासी विनिंग में चल रही है, लेकिन चूंकि फ्रीजी मार्केट है, कभी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल मार्केट, तो ऐसे टाइम पर हम गाइस कभी भी कुछ नहीं कह सकते कि पता नहीं 2 सेकंड में मार्केट किधर मोड़ ले ले. ओके, सो 30 सेकंड्स के बाद हमें वेट करेंगे. ओके गाइस, ये देख सकते हैं कि आप हमारे गुडविन में आ रही है ट्रेड, और देन यहाँ से ये डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल पर यहाँ पर ज़िगज़ैग हमारा वी शेप ले लेगा. ओके, देन ये ट्रेड हमारी अच्छी खासी विन में आ चुकी है. हम प्रॉफिट रेट अपना देखते हैं तो हमने $7,700 का प्रॉफिट रेट बुक कर लिया है, आप देख सकते हैं. ओके, सो गाइस यू नो डेफिनेटली आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से हम ट्रायंगल पैटर्न से ये हम आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, कहाँ पर हमारा ब्रेकआउट कर रहा है और कहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है. ओके, सो होप सो आप सभी को सारी चीज़ समझ में आ रही होगी. ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करना अच्छे से समझ में आ रहा होगा. फिलहाल तो ये साइडवेज मार्केट है, मैंने आपको बोला गाइस कि ऐसे टाइम पर हमें ये क्लियरली आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कि हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में भी जा सकता है. ओके,
सो गाइज होप सो आप सभी को ये ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने कल की वीडियो में बताया था, आज की वीडियो में अगेन मैं बता चुकी हूँ ट्रायंगल पैटर्न किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, एंड ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करने के बाद आप ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं ये भी आप सभी ने अच्छा खासा सीखा समझ में आया होगा होप सो। एंड गाइज होप सो आप सभी को वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो गाइज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि ये नॉलेज आपके दोस्तों तक भी पहुंचे तो। ओके एंड गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ओके, जिससे आप सभी को नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके सो एंड वन मोर थिंग गाइज, अपना एक वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और अच्छा वर्क करने के लिए। ओके सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।